ब्रांडेड कंपनी के डुप्लीकेट प्लग बेचकर ज्यादा पैसा कमाने वाले दुकानदार को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 75 नग डुप्लीकेट प्लग जब्त किए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी व कॉपी राइट एक्ट अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। बता दें कि 12 नवंबर को पौशिक विश्वास से थाना में शिकायत की गई कि वे पौश लिमिटेड जो कंपनी है उसमें ब्रांड संरक्षण के पद पर कार्यरत हैं और वहीं कंपनी के जांच अधिकारी विशेषज्ञ क्लाइंट कंपनी के प्रतिनिधि एक्सपर्ट तन्मय धोस व विप्लव विश्वास के साथ कबीरधाम आकर देखा कि शहर के बाल मंदिर कॉम्प्लेक्स के पास दुकान में नकली कंपनी का स्पार्क प्लग रखकर आम नागरिकों को असली क्लाइंट कंपनी का बताकर बेचा जा रहा है। थाना कोतवाली को इस बात की सूचना मिली थी कि बस स्टैंड के पास में स्थित माँ गंगा ऑटो पार्ट्स की दुकान में कुछ नकली सामान बेचे जा रहे हैं और इस सूचना पर थाना कोतवाली की टीम ने वहां पर दबिश दी थी, जहां पर बॉश कंपनी के कुछ स्पार्क प्लग जो ऑटो स्पेयर पार्ट के रूप में उपयोग किए जाते हैं ये प्राप्त हुआ था। ये बॉश कंपनी का ना होकर किसी अन्य लोकल कंपनी का बना हुआ था और इस सूचना पर जब दबिश दी गई तो संचालक से इस बात के बारे में जानकारी प्राप्त की गई।